हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ MA MSc ज्योग्राफी फर्स्ट सेम के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, प्राकृतिक संसाधन सूचनाएं एकत्रित करने के लिए सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो आंसर इस प्रकार है, सुदूर संवेदन। परिचय, हम 5 इंद्रियों के माध्यम से आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव दृष्टि प्रणाली सामान्य अर्थों में से सुदूर संवेदन प्रणाली का एक उत्तम उदाहरण है। सुदूर संवेदन ऐसी व्यवस्था है जिसमें दूरस्थ स्थानों की वस्तुओं के संपर्क में एकत्र किए जाते हैं। सामान्यतः सुदूर संवेदन आंकड़े हवाई विमान, गुब्बारे या अंतरिक्ष उपग्रह, अंतरिक्ष शटल में प्लेटफॉर्मों पर लगे सेंसर का उपयोग कर एकत्र किए जाते हैं। सुदूर संवेदन के आधुनिक रूप की शुरुआत हवाई जहाज के विकास के साथ पैदा हुई। वर्ष 1858 में गुब्बाराकार जी टूना चोन उर्फ नादर ने गुब्बारे में बैठकर पेरिस की तस्वीर बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में व्यवस्थित हवाई फोटोग्राफी सैन्य पर्यवेक्षण और टोह लेने में प्रयोग की गई, जो शीत युद्ध के दौरान संशोधित लड़ाकू विमान जैसे कि PST P-38R, B-66 और F-4C के रूप में चरमोत्कर्षण तक पहुंच गई थी। शीत युद्ध के बाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कृत्रिम उपग्रहों के विकास ने सुदूर संवेदन को वैश्विक स्तर पर प्रगति का आधार दिया। सुदूर संवेदन की तकनीकी मानव के क्षेत्र में ज्ञान विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस तकनीकी के माध्यम से भूमि, जल और आकाश के विविध पहलुओं का अध्ययन कर पाना संभव हुआ है। विभिन्न भू अवलोकन करने वाले एवं मौसम उपग्रहों जैसे कि लैंडसैट, निम्बस और रडार सेट आदि नागरिक अनुसंधान और सैन्य उद्देश्यों के लिए वैश्विक स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। सुदूर संवेदन हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा यदि दृश्य तरंग दैर्ध्य में हो तो यह लक्ष्य से टकराकर परिवर्तित हो जाती है तथा सुदूर संवेदन सेंसर परिवर्तित ऊर्जा के आधार पर आंकड़े जमा करता है। थर्मल अवरक्त तरंग दैर्ध्य की स्थिति में लक्ष्य दूसरा अवशोषित और फिर पुनः उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग आंकड़े एकत्र करने में किया जाता है। सुदूर संवेदन की तकनीकी को संवेदक की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा को मापने वाले सुदूर संवेदन सेंसर निष्क्रिय सेंसर कहलाते हैं। निष्क्रिय सेंसर केवल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर सक्रिय सेंसर ऊर्जा रोशनी के लिए अपनी ऊर्जा पैदा करते हैं। सेंसर उस लक्ष्य की ओर निर्देशित विवरण उत्सर्जित करता है जिसके आंकड़े एकत्र किए जाने हो। सक्रिय सेंसर का यह लाभ है कि वे किसी भी समय एवं किसी भी मौसम में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। अब है आपका सुदूर संवेदन के उपयोग। सुदूर संवेदन द्वारा खतरनाक एवं दुर्गम क्षेत्रों के आंकड़े भी कम समय में ही एकत्र किए जा सकते हैं। सुदूर संवेदन का उपयोग विभिन्न नदी बेसिनों, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र, हिमनदों, तटीय क्षेत्रों, बदलते भू आवरणों की निगरानी आदि में आसानी से किया जा सकता है। हाल के वर्षों में अति उच्च स्थानिक विभेदन उपग्रहों की उपलब्धता से सुदूर संवेदन का उपयोग कई गुना बढ़ गया है। भारत के पास भी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS, श्रृंखला, सोर्स सेट, काटोसेट, ओसन सेट आदि जैसे स्वयं के उपग्रह लिए हैं, जो विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC उपयोगकर्ताओं को सुदूर संवेदन आंकड़े उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन के NRSC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का एक घटक है, जो कि बेंगलुरु, नागपुर, कलकत्ता एवं जोधपुर में 4 क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्रों के हैदराबाद में स्थापित है तथा विभिन्न भारतीय एवं विदेशी उपग्रहों से प्राप्त उपग्रह आंकड़ों के अभिग्रहण, नियोजन, आंकड़ा अर्जन संसाधन एवं विवरण के लिए जिम्मेदार है। सुदूर संवेदन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षण का कार्य भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून द्वारा किया जाता है। इसे सुदूर संवेदन भू सूचना एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक संसाधन संवर्धन एवं विकास में सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग। आजकल प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन एवं विकास के लिए सुदूर संवेदन तकनीकी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। उपग्रहों से प्राप्त चित्रों की सूचनाओं का उपयोग कर संसाधनों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों, आंकड़ों का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख, उनके अध्ययन, अन्वेषण एवं विकास के लिए किया जा रहा है। संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं कुशल प्रबंधन के लिए अंकीय तकनीकी का प्रयोग करते हुए अंकीय मानचित्र कार्य किया जा रहा है। आज सुदूर संवेदन एवं GIS के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई कि आम आदमी भी गूगल अर्थ
जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता से विगत वर्षों में अपने आसपास हुए परिवर्तनों को चित्रों द्वारा आसानी से देख सकता है। बढ़ती आबादी के साथ देश में प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन, दोहन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में स्थानिक आंकड़ों की जरूरत है। इस दिशा में सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग अति उपयोगी साबित हो सकता है। आने वाले समय में सुदूर संवेदन तकनीकी का व्यापक रूप में प्रयोग होगा तथा ये तकनीकी देश के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान देगी। अब है सुदूर संवेदन किसी लक्ष्य के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है। इसमें लक्ष्य से परिवर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदन किया जाता है। इसके पश्चात उसका विश्लेषण करके उसे प्राप्त जानकारी को उपयोग में लाया जाता है। सुदूर संवेदन प्रक्रिया का आरंभ एक ऊर्जा स्रोत द्वारा लक्ष्य को प्रतीत करने से होता है। आपतित ऊर्जा लक्ष्य के साथ मिलती है। इसका परिणाम लक्ष्य और विकिरण के गुणों पर लक्षण अद्वितीय तथा भिन्न होते हैं। अब है सुदूर संवेदन महत्व नैसर्गिक संसाधन प्रबंधन। सुदूर संवेदन नैसर्गिक संसाधन प्रबंधन में क्रियाशील है क्योंकि इसकी क्षमता है भूमि की सतह के बारे में वास्तविक समय और सटीक डाटा प्रदान करने की। यह तकनीकी भूमि कवर पौधरोपण के स्वास्थ्य और जल संसाधन की सटीक मॉनिटरिंग की संभावना प्रदान करती है। यह आपातकालीन प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का समर्थन करता है। धान्य उत्पादन के लिए जोखिमपूर्ण तत्वों का मॉनिटरिंग करता है और जैव विविधता संरक्षण में योगदान करता है। सुदूर संवेदन की मुद्रित और विस्तार मुक्त स्वभाव से यह नैसर्गिक संसाधन प्रबंधन में जानकार निर्णय लेने के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। भूमि कवर एवं उपयोग। वन जंतु संरक्षण, वन्यजीव और उपयोगी पौधों के आकलन के लिए सुदूरस्थ संवेदन का उपयोग किया जाता है। भूमि उपयोग की मॉनिटरिंग में सहायक होती है, जैसे कि कृषि, औद्योगिक विकास और नगरीकरण योजनाएं। जल संसाधन। जल स्रोतों, झीलों और नदियों का मॉनिटरिंग करने के लिए दूरस्थ संवेदन का उपयोग उपयुक्त है। जलवायु परिवर्तन का निरीक्षण करके जल संसाधनों की प्रबंधन की गई जानकारी प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के उत्थान और उनके पूर्वानुमान से सुदूर संवेदन का उपयोग होता है। आपदा स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और सहायता के लिए इसका उपयोग होना। वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण की लागू जानकारी और निगरानी के लिए दूरस्थ संवेदन उपयोगी है। वन्यजीवों की स्थिति, चरण और संरक्षण की जरूरतों को समझने के लिए भी यह सहायक है। अब सूचना प्रणाली का उपयोग। दूरस्थ संवेदन से प्राप्त डाटा का उपयोग सूचना प्रणालियों में सहजता से किया जा सकता है, जिससे नैसर्गिक संसाधन प्रबंधन में नई सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है। भूगोल सूचना प्रणाली GIS में नैसर्गिक संसाधन प्रबंधन। GIS या भूगोलीय सूचना प्रणाली नैसर्गिक संसाधनों प्रबंधनों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह संसाधनों की सटीक मैचिंग, विश्लेषण और दृश्यीकरण करने की संभावना प्रदान करता है, जिससे सूचित निर्णय लेने में समर्थन करता है। कृषि प्रावधानों को अनुकूलित करने से लेकर जंगलों, जल स्रोतों और जैव विविधता में मॉनिटरिंग तक GIS सतत संसाधन प्रबंधन को दावा देने में एक कुंजी भूमिका निभाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS नैसर्गिक संसाधन प्रबंधन में उपयोग। फर्स्ट है आपका भूमि उपयोग योजना, फिर है वन्यजीव प्रबंधन, फिर है जल संसाधन प्रबंधन, कृषि का अनुकूलन, जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक आपदा मैपिंग और खनिज अन्वेषण। इसके बाद लास्ट है आपका सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र प्रणाली के प्रयोग द्वारा जल संसाधनों का अनुप्रयोग। जल मानव जीवन के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है। जल मनुष्य के जीवन, कृषि तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन है। वर्षा जल का सामयिक तथा स्थानिक रूप से असमान होना बाढ़ एवं सूखा आदि समस्याओं का प्रमुख कारण है। सुदूर संवेदन विधि द्वारा एक बड़े क्षेत्र का मापन अत्यधिक कम समय में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में।